प्यार दूं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों कल का दिन आप सभी का कैसा गुजरा है कमेंट में ज़रूर बताना, मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। तो दोस्तों आज जो वीडियो होने वाला है एक बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाला है, मतलब हिंदी ओल्ड सॉन्ग में। तो दोस्तों प्रीव्यू में तो देख लिया पहले वीडियो कैसा होने वाला है। तो दोस्तों इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखना, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों मेरे ब्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लेना, लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों ये वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो मैं फोटो यूज करने वाला हूँ ये फोटो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ इफेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो नीचे जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा। और देखो ये जो सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना नहीं आता है तो उसके लिए एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमर प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा, देख सकते हो। तो दोस्तों ज़्यादा बिट देखने को नहीं मिलेगा, खाली तीन बिट है देखो, एक मिडिल में और एक लास्ट में और एक फास्ट में है। तो दोस्तों क्या करना होगा, फास्ट बिट में आ जाना, और फास्ट में आने के बाद जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो फोटो ऐड करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं फोटो ऐड कर लिया हूँ, और एक फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों देखो ऊपर में जो चार सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो थ्री डॉट है वह टच करना, और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना, तो ये जो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो ये जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर को एकदम लास्ट बिट में लाना होगा। तो लास्ट में आ जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो ये जो फोटो लेयर है उसका लेयर एकदम लास्ट में आ चुका है। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो फिर से फर्स्ट में आ जाना, फिर से फर्स्ट में आने के बाद एक शेप को ऐड करना होगा। तो शेप ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, और ये वाला शेप को ले लेना। देखो फर्स्ट में यहाँ पर जो है नीचे ये रेक्टेंगल को ले लेना, उसके बाद ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। तो देख सकते हैं जो शेप लेयर है वो फुल स्क्रीन हो गया। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, कलर एंड फिल ऑप्शन में जाना होगा, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। और इसे करने के बाद दोस्तों देखो ऊपर में जो डॉट है ये डॉट को ऐसे नीचे कर लेना, और ये जो डॉट है ये डॉट को ऐसे करके मिडिल कर लेना। देखो कुछ इस तरह ठीक से एडिट कर लेना, और ठीक से एडिट करने के बाद दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का जो बॉक्स है यहाँ पर टच करना होगा, और मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको ट्रांसपेरेंट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो शेप है वो एडिट हो जाएगा, और ठीक से एडिट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, और एकदम लास्ट में आ जाना। देखो लास्ट बिट में, और लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो तो दोस्तों अब एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करेंगे। तो दोस्तों ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, और मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो है उसको ऐड कर लेना। और ऐड करने के बाद दोस्तों ये जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर है, ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो लेयर को टच करना, ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करके फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो ब्लेंडिंग ओपेसिटी ऑप्शन में आ जाना, लाइटिंग ऑप्शन में आ जाना, और स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, और एकदम लास्ट बिट में आ जाना। देखो ये जो लास्ट बिट है ये लास्ट बिट में आ जाना, और लास्ट में आने के बाद दोस्तों ये जो ब्लैक स्क्रीन का जो बाकी का पार्ट है उसको कट करके डिलीट कर देना, मतलब हटा देना। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना तो कट हो जाएगा, और ये जो बीट है वो बीट के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना, देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन वीडियो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, लाइट इफेक्ट मतलब लाइट ब्लैक स्क्रीन। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, एक पीएनजी फोटो को ऐड करेंगे। तो पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों ये जो पीएनजी फोटो मैं पहले भी यूज किया हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो देख सकते हो ये जो पीएनजी फोटो है ये हिंदी ओल्ड लवर है। तो ये पीएनजी अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना, और ये पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। ऐड करने पर
मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, जूम ऑप्शन में आ जाना, अपने हिसाब से जितना बड़ा आप रखना चाहते हो उतना बड़ा रख लेना। और ये जो ऊपर में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इसको एडजस्ट कर लेना। देखो एडजस्ट करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट बिट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो ये ये जो पीएनजी फोटो है कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो हमारा जो मेन फोटो है ये मेन फोटो में इफेक्ट देना बाकी है। तो दोस्तों ये मेन फोटो में अब इफेक्ट देंगे, तो उसके लिए दोस्तों बैक हो जाना और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। ये प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो ये जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। तो दोस्तों कॉपी करने के बाद और कुछ नहीं करना होगा, बैक हो जाना और सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद दोस्तों देखो ये जो मेन फोटो है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा ये फोटो में। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फर्स्ट में आ जाना। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर एक पीएनजी बॉर्डर को ऐड करेंगे और ये जो पीएनजी बॉर्डर है ये पीएनजी बॉर्डर मैं पहले भी यूज किया हूँ। तो दोस्तों ये जो पीएनजी बॉर्डर है ये पीएनजी बॉर्डर अगर आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना और ये पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। तो पीएनजी बॉर्डर ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और दोस्तों ये जो पीएनजी बॉर्डर है ये पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। देखो तो ये वाला है, ये वाला पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आ जाना, नीचे जो शैडो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद इसका जो ऑप्शन है इसको ऑन कर देना शैडो को, और ऑन करने के बाद इसका जो साइज है वो अपने हिसाब से रख लेना और यहाँ पर जो पोजीशन है एक्स वाई थ्री थ्री रहेगा तो इसको 0-0 कर देना कुछ इस तरह। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और एकदम लास्ट बिट में आ जाना। लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो बॉर्डर है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो हमारा जो स्टेटस वीडियो है बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और दोस्तों इधर से एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।